अरे भाई आज ये खड़े नहीं होने दोगे क्या? एक मिनट रुको, नहीं देखो, एक मिनट चुपचाप खड़े रहो। ए भाई जो एक मिनट को पहले जब ध्यान निकालो पहले और चुपचाप खड़े रहो। क्या नाम दोबारा? सर सरवन कुमार मौर्य। सरवन कुमार मौर्य वही वो जो आए थे मेरे पास जी? बागी बलिया से हूँ। कहाँ से हो? बागी बलिया से। कहाँ से हो? वीरों का धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश। कहाँ से हो? बागी बलिया से। शो के बीच में ही कान निकाल के इधर लगा नहीं या शो के बाद लगा? बागी बलिया से। अच्छा खासा बलिया भैया, अच्छा खासा गंगा के किनारे बसा बलिया, निर्मल लोग, शीतल लोग, अच्छे लोग, बागी बलिया, बागी बलिया। सॉरी, देखिए एक अंग्रेजी का नया शब्द हमने सीख लिया था, पॉलिसी पैरालिसिस। इसके मायने क्या है? नीतियों के मामले में लकवा मार गया है। तो यहाँ पर पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन मुद्दा वही का वही कि महंगाई की मार हर एक आम आदमी को मार रही है, वो ग्रस्त है। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि जो नेता हमारे हैं वो एक मंच पर बैठने के तैयार नहीं है। आपस में डबल इंजन सरकार हो तब भी मसला ज्यों का त्यों, और अगर डबल इंजन सरकार ना हो तब भी मसला ऐसा करते। ये आपने चुनाव के बाद थोड़ा चेंज किया क्या स्टैंड? और चुनाव के बाद थोड़ा स्टैंड बड़े बड़े लोगों ने चेंज किया है। जनाब कहां से आना हुआ आपका? राजस्थान। वैसे बात सही है सर, महंगाई के मुद्दे पे या डीजल पेट्रोल के मुद्दे पे या स्टेट को राजस्व मिले ज्यादा से ज्यादा, वो अपना हिस्सा पाए इस मुद्दे पे, राज्य और केंद्र के संबंधों पर साथ तो बैठना ही पड़ेगा। और यह पार्लियामेंट मुझे नजर रखनी है कि कौन भागा, कौन बैठा, कौन वहां से उठा। जी जनाब अली कहां से आए? राजस्थान उदयपुर। राजस्थान उदयपुर से, बहुत अच्छी जगह से आए। क्या नाम हो गया साहब? अरुण सिंह देवल। खड़े रहो, छत्तीसगढ़ से। अरुण सिंह देवल। अरुण जी बोलिए साहब, कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सर कांग्रेस राज में एग्जाम देने जाते थे, उससे पहले ही पेपर मोबाइल पे आ जाता था राजस्थान में तो। अच्छा जब कांग्रेस के राज में थे आप, मतलब ये एक मिनट रुकिए, पुराने समय में सुना था लोग लोटा लेके चलते थे, आप ग्लास लेके चलते हैं? अच्छा ठीक है, मैं आप अभी एंजॉय करिए उसको। हाँ जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस के जमाने में था राजस्थान में? नहीं सर, अभी लेटेस्ट पिछली सरकार में हमारा पेपर आउट हुआ है। जी इनका कहना है कि पिछली सरकार जब राजस्थान में सरकार थी तो पेपर आउट हुआ। जी बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आइए। हाँ जी, जैसा कि विपक्ष, मैं रुको आ रहा हूँ, जैसे कि विपक्ष के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं महंगाई महंगाई। कहाँ से आना हुआ? बिहार से, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से। क्या काम करते हो बेटा? जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, यहीं पे दिल्ली में? यस सर, IMT ग्रुप ऑफ कॉलेज से। अच्छा उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जॉब। कौन सा? रुको, कौन सा जॉब? जर्नलिज्म फील्ड में जॉब। जर्नलिज्म फील्ड में है ना, अच्छा बहुत अच्छी बात है। चलो अभी तो आटे दाल का भाव नहीं पता है तुम्हें, जब आओगे तब पता चलेगा। ठीक है ठीक है, रुको। हाँ जी बोलो। जैसे विपक्ष लगातार महंगाई का आरोप लगा रहे हो, तो मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, वैसे वैसे महंगाई तो आती जाती रहेगी। और बता दें कि पहले जैसे कि हम लोग महंगाई की बात करते, पहले 400 रुपये कांग्रेस की राज में सिलेंडर था, तो उस समय एक बार नंबर लगाने के बाद 4 दिन लाइन में लगना पड़ता था, और आज आपको फोन से नंबर लगाते हैं गैस की और आपको घर बैठे सिलेंडर। तो जैसे जैसे आपको जैसे जैसे आपको फीचर्स बढ़ेंगी, सुविधा मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो आम बात है। इसमें आरोप लगाने कहाँ से? तो बेटा तुम क्योंकि पत्रकारिता के स्टूडेंट हो, तुमसे एक सवाल पूछे तो ऐसे में जो नीचे है, सबके नीचे वाला हिस्सा है, तबका जो हाशिए में रहता है, वो कैसे सरवाइव करे, उसके लिए क्या है? देखिए उनके लिए देखिए, जैसे कि आपको सैलरी बढ़ी है, जैसे फीचर बढ़ी तो सैलरी बढ़ी है। आज ये पता करना, चैप्टर निकालना कि जब महंगाई बढ़ती है तो उस पर क्या क्या घटक इस्तेमाल होते हैं। जरूर ना तो बीजेपी मैम जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी भाई सुनो ए बिहार चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो भगाऊंगा मैं, बस पक्का भगा। चुपचाप खड़े रहो। नहीं ये तुम्हारा घर का ड्राइंग रूम नहीं है, घर का नाम है। अभी पूछा जा रहा था कि पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने क्या किया, अभी आपने उनको कहा कि लोग लोटा लेकर के चलते थे, आप गिलास लेकर के चल रहे हैं, तो आपको ध्यान में होगा। अद्भुत लगा मुझे, पहली बार कोई आदमी आया जो अपना ग्लास लेके आया है। जी सरकार, हमारी बहनें जो गांव में रहती थी दूर दराज के क्षेत्रों में, वो लोटा लेकर जंगल पानी के लिए जाती थी, लोटा और डोर होती थी, और अगर उनके घर तक शौचालय बनाने का काम किया तो मोदी सरकार ने उस काम को किया। पिछले 10 सालों की अगर आप बात करते हैं तो 2014 से पहले इस देश के अंदर कितने ऑल इंडिया मेडिकल
कितने एम्स जो हॉस्पिटल थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे, अगर आप संख्या के अंदर देखेंगे, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, एक स्थान से दूसरी जगह जाने का अगर आप व्यवस्था देखेंगे, यहाँ से जयपुर जाने के अंदर 9-9 घंटे लगते थे, आज आप 4 घंटे में जयपुर पहुँचते हैं, यहाँ से हरिद्वार जाने में 9-9 घंटे लगते थे, 3 घंटे में हरिद्वार पहुँचते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट, ये जो विकास हुआ, ये अभी मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो आपने देखा, ट्रेन से जल्दी आप रोड से पहुँच सकते हैं, क्या ये सब घर बैठे काम हुए? ये डेवलपमेंट, ये विकास के काम क्या बिना कांग्रेस के देते उसके बाद? देखिए, एक एग्जाम होता है मेडिकल एग्जाम, नीट का एग्जाम, वो एग्जाम जो है 24 लाख छात्रों ने दिया, वो एग्जाम का रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला था लेकिन 4 जून को आया। अगर अभिभावक के ये कह रहे हैं कि अगर वो 10 दिन पहले आ जाता तो जो आज जो ये बैसाखी की सरकार है ये कभी नहीं बन पाती, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने छात्रों के साथ जो धोखा किया है, और ये सबसे बड़ा स्कैंडल है लगातार शिक्षा माफिया, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस बन चुका है। और जब धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, और फिर अचानक से उनको नींद से जाग जाती, उनका हृदय परिवर्तन होता है और कहते हैं कि हाँ हम धांधली हुई है, हम उस पर जांच करेंगे। आज वो छात्र पूछ रहे हैं कि मोदी साहब आप कब तक विदेश यात्रा या इटली जाते रहेंगे, आप भारत में आइए और अपने छात्रों की थोड़ा संज्ञान लीजिए। उन पर इनको विदेश यात्रा से क्या प्रॉब्लम है आप बताइए? अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी हैसियत देखिए और उनका वहां पे वर्चस्व देखिए, और आज से 10 साल पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जाते थे उनका स्टैंडिंग, जो जो सीट दिया जाता था वो देखिए, और हमारे देश का वर्चस्व देखिए आप। देखिए इसी राज्य में, इसी देश में किस तरीके से विदेशों में रह रहे भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा है, और आप कहती हैं कि विदेश यात्रा।